ये देखिए पाही ने रात को अपने सारे टॉयज को कितने अच्छे तरीके से बाहर हॉल में सुला दिया नीचे। और आप देखिए ध्यान से सभी के नीचे उसने पिलो रखी हुई है, सभी टेडीज एंड ये भगवान बच्चे भी ना, और सबको उड़ाया है। बहुत केयरिंग है पाही। और ये इसकी मेन फेवरेट डॉल को देखिए ऊपर सोफे पे, तो हमें उड़ा दिया मेरा। बच्चे कितने फनी होते हैं और कितने इनोसेंट, और ये हमको पता भी नहीं। वाओ पाही सो स्वीट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मेघा और आप देख रहे हैं जीनियस मॉमी। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस व्लॉग में हम लोग करेंगे कुछ फन एक्टिविटी। और पाही आ गई है। पाही से गुड मॉर्निंग। पाही का तो ब्रश चल रहा है। चलो बेटा जल्दी से फ्रेश हो जाओ, नहा लो, क्योंकि हमें और मधुशी जी कुकिंग करना है। जाओ जल्दी जाओ, गो। पाही अभी सोकर उठी है तो उसके पापा उसे फ्रेश करवा रहे हैं, क्योंकि मुझे है किचन में आज बहुत सारा काम। पाही की मैम ने बोला है कि आज फूड फन एक्टिविटी है, जिसमें कि इन लोगों को स्कूल में कुछ शेप सिखाए गए हैं, लाइक ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, तो उसी शेप का हमें कुछ ना कुछ खाना पकाना है इनके लिए। जैसे कि राउंड राउंड गोल शेप की हम पूरियाँ बना सकते हैं, ट्राइंगल शेप में हम पराठे बना सकते हैं, इडली सर्कल शेप में, और ढोकले स्क्वायर शेप में, मतलब इस तरीके की कोई भी चीज़ हमें अपने बच्चे के लिए बनानी है। और मैम ने कहा है कि अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप ब्रेड का भी अलग अलग शेप्स में करके यूज़ कर सकते हैं, या तो बिस्किट्स ले सकते हैं। मतलब उन्होंने एकदम ईजी रखा है। ये बात मुझे उनकी बहुत ही अच्छी लगी कि मैम कभी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करती है, जो सबके लिए आसान हो वो हमेशा वही सजेस्ट करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका ये नेचर। और तो मैं भी पाही के लिए कुछ हेल्दी और न्यूट्रिशियस सब बनाने का सोच रही हूँ, कि पाही खाए और पाही को हेल्थ भी अच्छी मिले और मुझे बनाने में भी मज़ा आए, और शेप भी मैं सोच रही कौन सा शेप बनाऊँ, देखती हूँ। अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है, लेकिन हाँ मैं क्या बनाने वाली हूँ वो मैं आपको ज़रूर दिखा देती हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, आपको दिखाती हूँ। दोस्तों देखिए, ब्रेकफास्ट के लिए मैंने यहाँ पर 2 कटोरी गेहूँ का आटा लिया है, जिसमें कि मैंने 1 कटोरी बेसन मिलाया है, 1 छोटी कटोरी, और इसमें मैंने अजवाइन डाली है, और जो सूखे मसाले होते हैं जैसे गरम मसाला, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, ये मैंने इसमें डाला है। सारी चीज़ें कम डाली क्योंकि पाही ज़्यादा तीखा नहीं खा पाती है, तो ये किया है मैंने। और थोड़ा सा मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला है, जस्ट फॉर सॉफ्टनेस। अदरक का मैंने टुकड़ा यहाँ पर रखा हुआ है, और अभी लहसुन भी मैं लाऊँगी। देखिए यहाँ पर ये है पालक, तो आज मैं पाही के लिए सोच रही हूँ कि मैं बना दूँ पालक की पूरियाँ या पराठे देसी घी लगाकर, है ना, काऊ के घी में मैं सोच रही हूँ बनाने का, ताकि ऑयल भी ना रहे उसमें और पाही को कुछ हेल्दी मिल जाए। तो ये हरी सब्ज़ियाँ भी चली जाएंगी, तो पालक है, हरा धनिया है, और ये मेरे पास है अमूल बटर मिल्क, तो इसको मैं फ्राई करने वाली हूँ। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन रेडी हो जाएगा, पाही खाएगी गर्मा गर्म पालक पूरियाँ या पराठे, और उसके साथ में मैं यहाँ पर बटर मिल्क को तड़का लगाऊंगी या कड़ी बनाऊंगी, और हम लोगों के लिए चाय बनेगी। तो बस चलिए शुरू करते हैं बनाना। बस जल्दी जल्दी से बारीक बारीक सी ये काट लेती हूँ, एकदम बारीक छोटे छोटे से कट करना है मुझे पालक, और साफ धो करके आटे में मिक्स कर दूंगी। जैसे सुनो, कड़ी जो बनाओगे ना तो वो जेन्युइन मसाले को ना कूट के बनाना प्लीज। हाँ खुशबू ही फैल जाती पूरे घर में। सही बोला, मिक्सर में वो मजा नहीं। बेटा पहले ऑयल तो लगा लो फिर लिपस्टिक लगाना। अभी नहीं, अभी पहले ऑयल लगाओ। चलो सुबह उठते कौन लिपस्टिक लगाता है बेटा। हो गया बेटा, ज्यादा नहीं। ऑयल नीचे आओ, नीचे आ जाओ, ये लो। ओ बिंदी डालो। हाँ बिंदी भी लगा दे रहे पापा भाई, बिंदी लगा दे रहे। ये वाली लगाओगी? नो। तो कौन सा लगाओगी? ये रख दो। ओके ये वाला? ये वाला। ये भी नहीं? यस। ये वाला दिखाओ। ठीक है चलो लगाओ। भाई खाना चालू करो बेटा।
देखो कितना टेस्टी खाना बनाया मम्मा ने, ट्रायंगल बनाया देखो, वाओ ट्रायंगल, और कितनी प्यारी कड़ी बनाई है। अच्छा ठीक है बाबा, आप नहीं खा रहे तो हम खा रहे। उसको लग रहा है कि मैम बस अभी आने वाली है, अभी देखो अभी टाइम है, अभी 15 मिनट है, वो नहीं मान रही मेगा। कोई नहीं, आप नाश्ता करो, मैं उसके बाद में खिलाती हूँ लंच। ऐसे बता दो मैम को रेक्टेंगल शेप, रेक्टेंगल शेप। तो फ्रेंड्स पाई की क्लास अभी हो गई है ख़त्म और एक्टिविटी भी बहुत अच्छी रही है। अब मैं जा रही हूँ नहाने और किचन थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ और आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहा क्योंकि मेड भी नहीं आई, तो पूरा झाड़ू पोछा बर्तन सब मुझे ही करना है। पाही को सुबह 2-3 घंटे की क्लास होती है, वो भी पढ़ाओ, तो मैं काफ़ी लेट हो जाती हूँ। तो अभी 1:30 बज चुका है और अब मैं जा रही हूँ लंच करने। हस्बैंड की भी ऑफिस की अभी मीटिंग जो है वो थोड़ी देर के लिए उनको छुट्टी मिली हुई है, लंच ब्रेक मिला हुआ है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सैलेड कट करके रख दिया है, आपको दिखा देती हूँ और उसके बाद मैं करूँगी लंच। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा ये सैलेड कट के एकदम रेडी हो चुका है, तो सबसे पहले हम इन्जॉय करेंगे सैलेड, उसके बाद ही खाना खाएंगे। तो ये मैंने फ्रूट्स और वेजिटेबल का सैलेड बनाया हुआ है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आज के मेरे इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।